नमस्कार बच्चों, आशा है आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इस भाग में हम जानेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों के बारे में, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। साथ ही हम तीनों क्षेत्रकों की तुलना भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों को तीन प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। आर्थिक क्रिया के क्षेत्र के आधार पर हम अर्थव्यवस्था को तीन भाग में बांट सकते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। दूसरा, रोजगार नियोजन के आधार पर हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं, संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक। तीसरा, स्वामित्व के आधार पर हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं, सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक। बच्चों, अब आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि कहा जाता है। बच्चों, इसे कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है, क्योंकि अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद जैसे कृषि, डेयरी, मत्स्य और खनिज उत्पाद हम वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इसे कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। अब चलिए जानते हैं द्वितीयक क्षेत्रक के बारे में। द्वितीयक क्षेत्रक। बच्चों, द्वितीयक क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। बच्चों, द्वितीयक क्षेत्रक की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है, अर्थात इसमें किसी प्रकार का उत्पाद नहीं किया जाता है, जबकि प्राथमिक क्षेत्रक में उत्पाद करते हैं। बच्चों, इसमें हम विनिर्माण करते हैं, यानी प्राथमिक क्षेत्रक के उत्पाद को फिर से तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए, गेहूं को आटा में परिवर्तित करना और कपास से कपड़े बनाना। यह प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कार्यशाला या किसी घर में होता है। चूँकि यह क्षेत्रक विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। अब जानते हैं तृतीयक क्षेत्रक के बारे में। बच्चों, तृतीयक क्षेत्रक में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता, बल्कि तृतीयक क्षेत्रक उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करता है। जैसे प्राथमिक क्षेत्रक से उत्पादित वस्तुओं को बेचने के लिए ट्रकों और ट्रेनों द्वारा एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम सेवा क्षेत्रक करता है। इसके अलावा जो सेवा प्रदाता होते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, नाई, मोची, जो समाज में सेवाएं प्रदान करते हैं, उनका कार्य भी सेवा क्षेत्रक में आता है। अब हम देखेंगे कुछ आर्थिक गतिविधियों के उदाहरण, जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से लोग प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक में आते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक में मछुआरा,
फूल की खेती करने वाला माली और दूध विक्रेता आता है। द्वितीय क्षेत्रक में दर्जी, टोकरी बुनकर, दिया सलाई कारखाना में श्रमिक आता है। तृतीय क्षेत्रक पुजारी, महाजन, कुरियर पहुंचाने वाला तृतीय क्षेत्रक में आता है। अब हम तीनों क्षेत्रकों की तुलना करेंगे। बच्चों, यहाँ पे हम तीनों क्षेत्रकों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक की तुलना करेंगे। तीनों क्षेत्रकों की तुलना के लिए विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की गणना करना आवश्यक हो जाता है, तभी हम इन क्षेत्रकों की गणना या तुलना कर सकते हैं। लेकिन हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की गणना करना असंभव कार्य है। बच्चों, इस समस्या के समाधान के लिए हम वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक संख्या के स्थान पर अंतिम मूल्य का उपयोग करते हैं। बच्चों, इन तीनों क्षेत्रकों में काफ़ी मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए लोग काम करते हैं। हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करना असंभव कार्य है। यह न केवल एक बहुत बड़ा काम है, बल्कि आप आश्चर्यचकित भी होंगे कि हम कारों, कंप्यूटरों, किलों या फर्नीचर की संख्या का हम योग कैसे कर सकते हैं। यह कठिन कार्य है, क्योंकि इन संख्याओं का अंदाज़ा लगाना सरल कार्य नहीं है। इस समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि वस्तुओं और सेवाओं का वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए, यदि 10,000 किलोग्राम चावल 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, तो चावल का मूल्य 80,000 रुपए होगा। इसी प्रकार तीनों क्षेत्रकों की वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की गणना की जाती है और उसके बाद योगफल प्राप्त किया जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि उत्पादित और बेचे गए प्रत्येक वस्तु या सेवा की गणना करने की जरूरत नहीं है। हमें केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं की ही गणना करनी होती है। जैसे जब एक किसान किसी मिल को गेहूं बेचता है और वह मिल गेहूं को आटा बनाकर किसी बिस्किट बनाने वाली कंपनी को बेचती है, तो हम बिस्किट को अंतिम वस्तु मानकर बिस्किट के मूल्य की गणना करते हैं, न कि गेहूं और आटे का। बच्चों, अगर हम गेहूं की और फिर आटे की और फिर बिस्किट की गणना करेंगे, तो यह अर्थव्यवस्था में भ्रम उत्पन्न करेगा। तो बच्चों, आज का यह भाग यहीं समाप्त होता है। इस भाग में हमने पढ़ा अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों के बारे में, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। साथ ही हम तीनों क्षेत्रकों की तुलना भी किए। तो बच्चों, आप अपना रखिए ख्याल। फिर हम मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।